नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल मोई आरआर एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। आज मैं 2014 की साइबी शॉर्ट फिल्म द रियल एविडेंस लैपटॉप की व्याख्या करने जा रहा हूं। फिल्म की शुरुआत एक ऑफिस के असेंबल से होती है, जहां कई कर्मचारी अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं। कुछ कागज पर स्क्रैप लिख रहे हैं, जबकि अन्य अपने लैपटॉप पर काम कर रहे हैं। चश्मा वाला एक आदमी भी अपने लैपटॉप पर काम कर रहा है, जब उसकी आंखें अचानक उसके पास की दीवार पर कुछ देखती हैं। उसे यह बहुत ही असामान्य लगता है और वो अपने लैपटॉप और दीवार को आगे पीछे देखता रहता है। आश्चर्यजनक रूप से लैपटॉप माउस का कसर उसके लैपटॉप की स्क्रीन से दीवार पर मंडराता हुआ दिखाई देता है। आदमी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है और जब वह लैपटॉप के टचपैड पर अपनी उंगलियां घुमाता है तो दीवार पर लगा कसर हिल जाता है। यह देखकर वो उत्तेजित हो जाता है, क्योंकि उसके चेहरे पर मुस्कान होती है। फिर वो यह देखने के लिए चारों ओर देखता है कि क्या उसका कोई सहकर्मी इसे देख रहा है। वो व्यक्ति यह जांचने के लिए एक विचार के बारे में सोचता है कि क्या माउस कसर का भौतिक वातावरण पर वास्तविक प्रभाव पड़ता है। वो गति को नियंत्रित करके कसर को दीवार से टचपैड से नीचे खींचता है। वो फिर अपनी मेज पर पेपर कप की ओर इशारा करता है और टचपैड में बटन को टैप करता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, पेपर कप गिर जाता है और चाय पूरी मेज पर फैल जाती है। यह उसके सहयोगियों का ध्यान आकर्षित करता है। जैसे ही वे उसे देखते हैं, वो माफी मांगता है और ऐसा कार्य करता है जैसे वो मेज की सफाई कर रहा हो। पेपर कप के साथ इस सफल परीक्षण के बाद वो खुश हो जाता है। वो आदमी फिर चारों ओर देखता है और कसर के साथ प्रयोग करने के लिए एक और चीज ढूंढता है। उसे एक पत्र दिखाई देता है, उसकी मेज और तीर को अपनी ओर खींचता है। जैसे ही वो इसे पत्र के चारों ओर घुमाता है, पाठ में आते ही सूचक का समय बदल जाता है। पत्र काम में देर से आने के लिए जुर्माना काटने के अनुरोध के बारे में है। आदमी उस पर कसर क्लिक करता है, वाक्यों को हटाता है, लिखता है कि उसका मालिक एक एडर है और अपने मासिक शुल्क में मुआवजा जोड़ने के लिए कहता है। ऐसा करने के बाद वो पत्र अपने हाथ में लेता है और उस पर हंसना शुरू कर देता है। जैसे ही उसकी हंसी सुनाई देती है, उसे यह सहकर्मियों को परेशान करने वाला लगता है और वो एक बार अजीब तरह से रुक जाता है। वो फिर पत्र को देखता है और मुस्कुराता है। कमरे में अपने प्रयोगों के बाद वो आदमी अपने हाथ में रहस्यमय लैपटॉप के साथ बाहर निकलता है। कार्यालय के अंदर अपने शीनिगंस के बाद लड़का अपने दोस्त के पास जाता है, जो दो महिलाओं से बात कर रहा है। वो अपने दोस्त से उसके पास आने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पास साझा करने के लिए एक आपातकालीन रहस्य है। वे एक छत पर जाते हैं और वो आदमी प्रदर्शित करता है कि उसने नॉर्दर्न क्रेडिट बैंक के रूप में लिखे गए बोर्ड को नोब्स, क्लाउन और बास्टर्ड्स में संपादित करके क्या खोजा है। दोस्त गुस्सा हो जाता है और उसे पास में खड़ी कार में कुछ करने के लिए कहता है। आदमी प्रोग्राम खोलता है और कार के आकार को तब तक स्मॉल करना शुरू कर देता है जब तक कि वो सिकुड़ न जाए एक खिलौना। दोस्त अति उत्साहित हो जाता है और उसे कहता है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने क्या पाया है। वो कहते हैं कि यह उन्हें असीमित अवसर देता है और वे इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ही उसका दोस्त बड़बड़ाता रहता है, वो आदमी एक घर की एक दीवार की नकल करता है और उसे दीवार से बंद करने के लिए एक खिड़की पर चिपका देता है। यह देखकर दोस्त समझाता है कि अगर वे कोई प्रोग्राम खोल सकते हैं और उसे वास्तविक दुनिया में उस तरह काम कर सकते हैं, तो वे सब कुछ कर सकते हैं। वो कहता है कि यह एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस है। इस बिंदु पर वो आदमी अपने दोस्त को असहज नजरों से देखने लगा है। दोस्त साझा करता है कि वे बैंक में जा सकते हैं और इमारत को नष्ट करने की धमकी के साथ वो प्रबंधक को उन्हें पैसे देने के लिए ब्लैकमेल कर सकते हैं। वो आगे कहते हैं कि पैसे मिलने के बाद वे किसी भी तरह से इमारत को नष्ट कर देंगे, ताकि प्रबंधक किसी को नहीं बता सके। उसे सुनने के बाद लड़के के चेहरे पर एक अजीब सी नजर आती है, जिसका मतलब है कि वो अपने दोस्त के विचार को पसंद नहीं करता है। नीचे जमीन में कार का मालिक वापस लौटता है और उसे अपनी कार नहीं मिलती है। हालांकि जब वह नीचे देखता है, तो वो अपनी कार के समान एक छोटा खिलौना देखकर चौंक जाता है, जहां उसने पार्क किया था। इस बीच दोस्त और एक्साइटेड हो जाता है कि वे कुछ भी कर सकते हैं और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। वो साझा करता है कि वे किसी तक भी पहुंच सकते हैं और सभी अपराधी, राजनेता और पुलिसकर्मी उनके आदेशों का पालन करेंगे। वो आदमी अब डरने लगता है और लैपटॉप की ओर देखता है। वो सेलेक्ट आइकन पर क्लिक करता है और दोस्त के शरीर को फ्रेम करने के लिए माउस कसर ले जाता है। दोस्त अज्ञात है और कहता रहता है कि अगर कोई उन पर हमला करने के लिए आता है, तो वे उन्हें मिटा देंगे और समस्या का समाधान करेंगे। विक्षिप्त दोस्त सेना को हटाने की भी बात करता है। डिलीट दबाकर वो आदमी अचंभित हो जाता है, जबकि उसका दोस्त सेना को पहुंचने के बारे में प्रदर्शन करते हुए बम की तरह लगता है। जैसे ही दोस्त लड़के का सामना करता है और बात करने के लिए अपना हाथ उठाता है, वो कीबोर्ड पर कंट्रोल एक्स की दबाता है, जो चयनित वस्तु को काटने का आदेश देता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, दोस्त का हाथ कसर के चयन क्षेत्र से बाहर निकल जाता है और यह शरीर से अलग हो जाता है, जबकि शरीर गायब हो जाता है। वो व्यक्ति भयभीत हो जाता है और अपनी आंखों को झपकाए बिना घटना को देखता है और हाथ ऊंचा होता है।
कटा हुआ हाथ खून के छींटे के साथ जमीन में एक कार के ऊपर गिर जाता है। जैसे ही हाथ की गड़गड़ाहट और कार बीप करने लगती है, वह आदमी डर से बाहर निकल जाता है। लोग तुरंत वाहन के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं और हाथ और खून देखकर घबराने लगते हैं। वे पुलिस और एम्बुलेंस को फोन करने के लिए चिल्लाते हैं क्योंकि लड़का छत से नीचे देखता है। अचानक भीड़ उसे देखती है और उसे बताती है कि उसने जो किया है उसके लिए वह मुसीबत में है। वे उसे पागल कहने लगते हैं और पुलिस को बुलाने की धमकी देते हैं। वे बार बार उसे छत से नीचे उतरने के लिए भी कहते हैं। लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसे वो आदमी घबराने लगता है। वो अपना लैपटॉप रखता है और एक प्रोग्राम खोलता है। वो आदमी तब नीचे जमीन की ओर देखता है और पूरे क्षेत्र का चयन करता है जिसमें इकट्ठे हुए लोग और कार भी शामिल है। जैसे ही भीड़ उस पर चिल्लाती है, वो कट कमांड दबाता है और द्रव्यमान, कार, हाथ और खून तुरंत गायब हो जाता है। लड़का हर तरफ उन्हें ढूंढता है और खुद हैरान हो जाता है। जैसे ही वो बेदम हो जाता है, वो अपना लैपटॉप मोड़ता है और महसूस करता है कि उसने क्या किया है। अपने कार्यस्थल पर कहर बरपाने के बाद आदमी सड़क से टकराता है और आगे बढ़ने लगता है। उसके पास अपना बैग उसकी तरफ है और लैपटॉप उसके हाथ में है। जैसे जैसे वो चलता है, वो जल्दी में देखता है और आगे पीछे देखता रहता है। कुछ ही देर में विपरीत दिशा से एक कार आती है। वो आदमी अपना हाथ दिखाता है और वाहन को रोकने के लिए कहता है। वो ड्राइवर से कहता है कि वो तत्काल क्रेमलिन जाना चाहता है। ड्राइवर ने उसे मना कर दिया और उसे बताया कि वहां यातायात भयानक है और वे लंबे समय तक फंसेंगे। वो आदमी विनती करता है कि वो ड्राइवर को उसके द्वारा मांगे गए किसी भी पैसे के साथ प्रदान करेगा, लेकिन वो माफी मांगकर भाग जाता है। जैसे ही ड्राइवर आगे बढ़ता है, वो आदमी अपना लैपटॉप खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही वाहन उसकी नजरों से ओझल हो जाता है, वो जल्द ही उसे बंद कर देता है। अंतिम दृश्य में आदमी आगे बढ़ता रहता है और एक बड़ी इमारत के पास पहुंचता है। जब वो इधर उधर देखता है तो उसे पता चलता है कि इमारत की दीवार में एक बड़ा माउस तीर मंडरा रहा है। वो भयभीत हो जाता है और कुछ भी नहीं खोजने के लिए चारों ओर देखता है। जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वो सड़क पर कसा तीर देखता है, उसकी तरफ इशारा करता है। वो आदमी हौंफने लगता है और चिंतित हो जाता है। जैसे ही वो धीरे धीरे कुछ कदम पीछे हटता है, कसा उसकी ओर बढ़ता है और उसे पूरी तरह से ढक लेता है। जैसे ही वो आकाश की ओर देखता है, कसा क्लिक करता है और वह जमीन पर कुचला जाता है और खून चारों ओर बिखरा होता है। इससे पता चलता है कि किसी और के पास भी जादुई शक्ति है। उसे खत्म करने के बाद कसा हिलना शुरू कर देता है और फ्रेम से बाहर चला जाता है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करने के लिए कमेंट करें। देखने के लिए धन्यवाद।